अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच कर उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पे रखेंगे। ये सोल सीट हमारे पूरे शरीर के कंट्रोलर, क्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, पर्सन बॉडी, और ये तीन पार्ट में बटी हुई है, हेड, नेक और टेल। तीनों में तीन तीन चक्र हैं। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि पर फोकस करेंगे और दो सुनहरे रंग के बहुत खूबसूरत नाग नागिन का एक जोड़ा देखेंगे, जिसके ऊपर लाल रंग से तमाम बीज मंत्र लिखे हुए। उन समस्त बीज मंत्रों को ध्यान करेंगे। ये तमाम बीज मंत्र जो इन कुंडलिनी शक्ति के ऊपर है, ये मेरे पूर्व के जितने भी जन्म हुए हैं, हर जन्म में एक बीज मंत्र इनके शरीर पर अंकित हो जाता है। इस प्रकार मैं जब जब जन्म लेता हूं, ये बीज मंत्र इनके भीतर जागृत हो जाता है। एक जन्म, दो जन्म, 5,000 जन्म, 10,000, ऐसे करके अनेकों बार मेरे जन्म हुए और हर बार एक बीज मंत्र जागृत होके वहां पर ये कुंडलिनी शक्ति इनकी पूंछ मणिपुर चक्र में छू रही है। मणिपुर चक्र पृथ्वी तत्व है। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर के पृथ्वी तत्व को, जिसमें हमारी सारी लालसाएं, सारी डिजायर्स सब यहीं पर चिपकी रहती है और इसी नाभि से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, इस नाभि के दूसरी तरफ हमारी माँ है जो हमें उत्पन्न करती है, उस समय ही ये एक बार ये चक्र खुलता है। हम प्रार्थना करेंगे इस कुंडलिनी शक्ति से कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको उद्देश्य में परिवर्तित करें ताकि हमें अपने होने का कारण पता चले। हम प्रार्थना करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से मूलाधार तक प्रवेश करें। इसके लिए हम उनको गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का पाठ का फल प्रदान करेंगे। यहाँ महामृत्युंजय को ब्रह्मा जी का स्वरूप मानेंगे और गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वज्ञ, जो
जो कोई भी है ये मेरे भीतर की श्वास है। जैसे ही मेरे शरीर में आत्मा ने प्रवेश करा, मेरी श्वास शुरू हो गई, मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। ग्यत्र लक्ष्मी तोम लक्षेरो ग्यत्रम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यम्बकम सर्वो यज्ञ महेदेवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमि वियो वंदना नह मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ग्यत्र लक्ष्मी तोम लक्षेरो ग्यत्रम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यम्बकम सर्वो यज्ञ महेदेवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमि वियो वंदना नह मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ग्यत्र लक्ष्मी तोम लक्षेरो ग्यत्रम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यम्बकम सर्वो यज्ञ महेदेवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमि वियो वंदना नह मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ग्यत्र लक्ष्मी तोम लक्षेरो ग्यत्रम श्री संजुम ग्यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यम्बकम सर्वो यज्ञ महेदेवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमि वियो वंदना नह मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अब हम मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मूलाधार चक्र से ये कुंडलिनी सीधे ऊपर बढ़ते हुए, मूलाधार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से लंबिकाग्र, लंबिकाग्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से सहस्त्रार बल, एक संपूर्ण नाग का आकार, दो सुनहरे नाग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घुमाव के साथ, एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ मूलाधार, तीसरी तरफ सहस्त्रार चक्र, इस बीच में ये संपूर्ण नाग आकृति जागृत होती है। अपने मूलाधार चक्र में इस नाग शक्ति को सजग करते हुए हम मूलाधार चक्र में वास करने वाले रिद्धि सिद्धि और गणेश जी से ये प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करें और कुंडलिनी शक्ति को सीधे ऊपर उठाते हुए कुंडलिनी आरोहणम्, कुंडलिनी आरोहणम्, कुंडलिनी आरोहणम्, कुंडलिनी आरोहणम्, कुंडलिनी आरोहणम्, कुंडलिनी आरोहणम्। तद्यगक्षरो नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं सो ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। दद्यगक्षणो दद्यगक्षणो ऋतं वाच्मि सत्यं वाच्मि, दद्यगक्षणो दद्यगक्षणो अव त्वं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोदरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात्। दद्यगक्षणो दद्यगक्षणो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मये, त्वं आनन्दमयस्त्वं स्वब्रह्मये, त्वं सच्चिदानन्दात् पित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं स्वब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। दद्यगक्षरो दद्यगक्षरो सर्वं
जगदिदनम तत्तो जायते सर्वम जगदिनन त्वत् तिष्ठति सर्वम जगदिनन त्वयि लयि मेष्यति सर्वम जगदिनन त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभो त्वा चत्वारि वाव पदानि दद्यगक्षरौ दद्यगक्षरौ त्वं गुणात्रयातीता त्वं अवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्ति त्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं शिवब्रह्म त्वं शिवविष्णुत्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं शिवब्रह्म लक्ष्मीत्वं श्री तं चि दद्यगक्षरौ गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण गरुद्धम् एतत्त्व मनुष्यरूपं गकारा पूर्वरूपं शकारो मध्यम रूपं रकारो औश्वारा अनुश्वारा चांतरूपम बिंदुरुत्तरूपम नाद संधानम संहिता संधि शैशा गणेश विद्या गणकृषि निश्चित गायत्री छंदा गणपति देवता दद्य कक्षरो गणपते नमा दद्य कक्षरो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात दद्य कक्षरो एक दंत्रम चतुर्हस्तम पाश मुष्क पाशम अंकुश धारिणम रदन चिचावर्दम हस्तैर्विभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्प कर्णकम रक्त वाशजम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारण मच्युतम आविर्भूतम च शिष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनो वरा दद्यगक्षरो नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमत्पते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय वरद मूर्ते नमो दद्यगक्षरो दद्यगक्षरो एतदथर्वशीर्ष यो दीते स शोभ्रम भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वता सुखमेधते स पंच महापापात् प्रमुच्यते सायं दियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्दियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्रा दियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्ष च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहा दास्यति स पापियान् भवति सहस्रावर्तनात् नियम यं काम मदीते तन तमनेन साधेत दद्यगक्षरो दद्यगक्षरो अनेन गणपतिम भीषी अंचति शवाग्मि भवति चतुर्थ्या मनश्नन जपति शा विद्यावान भवति इत्यर्थ वर्ण वाक्यम शवब्रह्माद्या वर्णम विद्यात् न बिभेति कदाचनेति दद्यगक्षरो दद्यगक्षरो यो दूर्वा अंकुरैर यजति शा वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर यजति शा यशोवान भवति शा मेधावान भवति यो मोदक सहस्त्रेण यजति शा वांछित फलम वापनोति य शा जय शमिधीर यजति शा सर्वम लभते शा सर्वम लभते दद्यगक्षरो दद्यगक्षरो गणपतिर अथर्वशीर्ष श्लोक अष्टो ब्राह्मणान सम्यक ग्राहित्वा सूर्य वचस्वी भवति सूर्य ग्रहे मान अद्याम प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते शासर्विद् भवति या एवं वेद दद्यगक्षरौ भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा स्थिरैः शङ्गैस्तुष्टु वाशस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायु दद्यगक्षरौ दद्यगक्षरो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दद्यगक्षरो शांति 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 कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम गेत्र लक्ष्मी तोम लक्षेनो गेत्रम श्री संजुम गेत्रमशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिवियो वंदना नाम मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। हम गायत्री महामृत्युंजय के मंत्र के पाठ का फल
इस सजग कुंडलिनी शक्ति को प्रदान करते हैं, इनका आभार मानते हैं और इनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार श्री लक्ष्मी विष्णु का जो ब्रह्मांड शरीर है, उस शरीर में जिस प्रकार शेषनाग संपूर्णता पूर्वक श्री विष्णु लक्ष्मी को सजग होकर जागृत होकर हजारों फनों से उनके ऊपर एक छत्र बना रहे, उसी प्रकार हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर एक छत्र के समान जागृत होकर सजग होकर खड़ी। हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे शरीर से श्री लक्ष्मी विष्णु के ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश करें और सहस्त्रार चक्र बंध में प्रवेश करें और उनका जो पूंछ का भाग है वो श्री विष्णु लक्ष्मी के मणिपुर चक्र तक पहुंचकर सजगता प्राप्त कर रहा है और ये हमें अपनी असीम शक्ति से जो उनके भीतर सजग होकर खड़े होते हैं, हमारे जितने भी बीज मंत्र हैं वो सब हमारे शरीर में जागृत हो गई, हमारी जितनी भी लालसाएं हैं वो देश में परिवर्तित हो गई, उस समस्त भाव को ध्यान करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र को गले में, हमारी वाणी में निर्मलता प्रदान करें ताकि हम उनका स्तुतिगान कर सकें, इसके लिए सक्षम बने। पत्वलक्ष्मी अंग हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने मुकुलाभरणं तमालं अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया पत्वलक्ष्मी। पत्वलक्ष्मी शेर शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षपात शभूमिर्भवति शभूमिर्पर्वता स्पृत्वा चतिष्ठे दशांगुलं पवलक्ष्मी। पवलक्ष्मी हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजतजाम पत्वलक्ष्मी। पत्वलक्ष्मी चंद्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। पत्वलक्ष्मी मुग्धा मुहुर विदति वदने मुरारे प्रेम त्रपा रणिहितानी गतागतानी माला दशोर मधु करीब महोत्पले याशा में श्रीये दिशतु सागर शंभवाया। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी पुरुषा एवे विशर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम कुता मृतत्व शेषानो यदन्यनाति रोहति। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्यामिरण्यम विन्दयम गामश्वम पुरुषानहम। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुर्विद विशोपि ईशन्निषिदतु मई क्षणमीक्षणार्धमिन्दी वरोदर सहोदरमिन्दी राया। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी एतावानस्य महिमातो जयायांस्य पुरुषा पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवी। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी अश्वपूर्वामृत मध्यमस्तिनाथ प्रमोदिनीम श्रीयं देवी मुपुए शर्मा देवी जुस्ताम। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी आमीलिताक्ष मदिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थित तकनी निक पक्षम नेत्रम भूत्य भवे नमम भुजंग शयंग नाया। पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी त्रिपादूर्ध उदयत पुरुषा पादोश्येहा भवत पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत शासनान शने अभि। पत्वलक्ष्मी पद्मलक्ष्मी काम शोष्मिता विरण्य प्राकारा माद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी ओप
हुए श्री एम पत्व लक्ष्मी पत्व लक्ष्मी भावंतरे मधुजिता च्युत कौस्तुभ या हारा वलिव हरि नीलमयी विभाति कामप्रदा सर्व सर्ववतोपी कटाक्षमाला कल्याण मावतु मे कमला ललाया पत्व लक्ष्मी ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषाश जातो अतिरिचत पश्चात भूमि मतो पुरा पत्व लक्ष्मी चंद्राम प्रवाशम यश्या ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम बदमिनीम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणे पत्व लक्ष्मी कालाम बुदाली ललितो ऋषि कैट बारे धारा दरे स्मृति या तड़िदंग नैव मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया पत्व लक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता समृतम प्रसदाज्यम पशुंस्तान चक्रे वायव्या नारायण्य ग्राम्याश्च ये पत्व लक्ष्मी आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पति स्तव वृक्षोक्ष बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदंतु या अंतरा याश्च बाह्या लक्ष्मी पत्व लक्ष्मी प्राप्तम पदम प्रथमता किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमातिनी मनमंथेन मैया पते तदि मंत्र मीक्षरार्धम मंदालशम च मकराल्य कन्यकाया पत्व लक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता ऋचा श्यामानि जग्गिरे छंदांचि जग्गिरे तस्माद् यजुष तस्माद् जायत पत्व लक्ष्मी उपैतु माम देव शका कीर्तिश्च मणिना शः प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिम ऋद्धिम ददातु मे पत्व लक्ष्मी दद्या दयानुपवनो द्रवणाम उदारामस्मिन् किंचन विहंग शिशो विष्णे दुष्कर्म धर्म अपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणिनी नयनाम्बुवाह पत्व लक्ष्मी तस्माद् अश्वा जायंत ये के चोभया तथा गावो ह जग्गिरो तस्मा तस्माद् जाता जावया पत्व लक्ष्मी शुद्ध पिपाशा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाश्याम्यहम अभूतिम समृद्धिम च शर्वा निर्णुद मे गृहात् पत्व लक्ष्मी इष्टा विशिष्ट मत्योपी यया दयाद्र दृष्टिया त्रिविष्ट पदम शुल्भम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम कृषिष्टम मम पुष्कर विष्टराया पत्व लक्ष्मी तम यज्ञम बहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रता तेन देवा अयजंत शाद्या ऋषियश्च ये पत्व लक्ष्मी गंधर द्वारम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो भूय श्रियम पत्व लक्ष्मी गीर देवतेति गरुड़ ध्वजा सुंदर इति शाकंबर इति शशि शेखर वल्लभ इति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्य नमस्त्री भुवनैक गुरोस्तरुण्य पत्व लक्ष्मी यत् पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन् मुखम किमस्याशीतम किम बाहु किम रूपादा उच्चेत पत्व लक्ष्मी मनसा काममा कूतिम वाचा सत्यमसी मही पशुनाम रूप मनस्य महिश्री शैताम यशा पत्व लक्ष्मी शुत्ते नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ते नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय पत्व लक्ष्मी ब्राह्मणो अस्य मुखमाशीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत पत्व लक्ष्मी कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियम वाशाय मे कुले मातरम पदमालिनीम पत्व लक्ष्मी नमोस्तु नालिक निवारणाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते नमोस्तु शोमा अमृत शोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय पत्व लक्ष्मी चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्रा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायत पत्व लक्ष्मी आपाश जंतु स्निग्धानि चिकलित वश्मे गृहे निचा देवी मातरम श्रियम वाशाय मे कुले पत्व लक्ष्मी संपत कराणी शक्लेन्द्रिय नंदनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वदंद वंदनानी दुरिता हरणोद्यतानी मामेव मातर निशम कल्यंतु मान्य पत्व लक्ष्मी नाभ्य आशीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्योषम वर्तता पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन पत्व लक्ष्मी आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवाहा पत्व लक्ष्मी यत् कटाक्ष मुपाशना विधि सेवकस्य शकला संपदा संतनोति वचनांग मानसेश त्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे पत्व लक्ष्मी यत् पुरुषेन विशा देवा यज्ञ मतन्वता वसंतो श्या सीदाज्यम गिरीश्मिदमा शरदवि पत्व लक्ष्मी आद्राम या करणीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम शूर्याम हिरण्यमहीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवाहा पत्व लक्ष्मी शर्षित नीले सरोज हस्ते धवल तमांचु गंधमाल्य शोभे सर्वती हरिवल्लभे मनोके त्रिभुवन भूत करी प्रसिद्ध मह्यम पत्व लक्ष्मी
पत्व लक्ष्मी सप्ताश्यासन परिदेय स्त्री सप्त समिदकृता देवा यद यज्ञम तन्वाना अभदनन पुरुषम पशुम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो श्वान विंदेयम पुरुषानम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी सत्ये सत्याक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूर तरंगितैर पांगे अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयाया पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यज्ञेन यज्ञमय जनता देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमाना शचंत यत्र पूर्वे शाद्या शन्ति देवा पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूया दाज्य मन्वहम शुक्तम पंच दशर्चम चा श्री कामा शततम जपेत पत्वलक्ष्मी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार स्तुति करने पर हमारे शरीर में समूह चक्रों में कुंडलिनी शक्ति में हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के समस्त नियंत्रणों में सब जगह दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं और ये समस्त दिव्य शक्तियां असीम ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं। हमारे भीतर जो चक्र चल रहे हैं वो अनगिनत बीज मंत्रों को उत्पन्न कर रहे हैं और ये समस्त बीज मंत्र हमारे भीतर एक दिव्य जागरण कर रहे हैं। इस दिव्य जागरण से इस असीम ऊर्जा से हम अपनी भारत माता के 15 करोड़ से भी ऊपर जितने भी मधुमेह ब्लड प्रेशर थायराइड हाइपरटेंशन के जितने भी रोगी हैं उनका समस्त स्ट्रेस साफ हो गया है और वो इस ब्रह्मांड शरीर के लंबिकाग्र चक्र में जहां ये सब कुछ नियंत्रित होता है वहां पर चला गया है और वहां विराजमान उस विश्वात्मा ने उस सारे स्ट्रेस को अपने भीतर निगल लिया है। इससे इन समस्त लोगों के भीतर दिव्य चेतना जागृत हुई है और इन सब की कुंडलिनी जागृत होके ऊपर मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र बंद में जाकर मिल गई है। ये सारी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से पहले संपूर्ण हो गई है। इसका इतना प्रभाव है कि प्रत्येक अस्पताल में इन चार बीमारियों का एक भी रोगी नहीं जा रहा है। इसका इतना प्रत्यक्ष प्रभाव है कि समस्त दवाइयों की दुकानें जो इन बीमारियों के लिए दवाई बेचती थी वो सारी दुकानों पे कोई रोगी नहीं जाता है और इस देश में आयुर्वेद की दैव्यपाश्रय चिकित्सा ने घर घर में इन सब रोगियों को अंतर चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। इस देश के समस्त नागरिकों के मन में राष्ट्र धर्म की भावना जागृत हुई है। इस दिव्य प्रार्थना के बाद जो कुछ भी असीम ऊर्जा हमारे पास है
उसे अपने पितरों को देंगे, अपने कुल देवी देवताओं को देंगे, अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को देंगे, अपने संपूर्ण परिवार को देंगे, अपने माता पिता भाई बहन उनके बच्चे उनकी पत्नियां उन सबको देंगे, अपने बच्चों को अपने दोनों पति पत्नी को ये ऊर्जा देंगे ताकि इस धर्म के मार्ग पे हम साथ साथ सदैव चलते रहें।